Welcome everyone to day 40 of doing 100 push-ups daily until Modi ji notices. So, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं रोज 100 push-ups के साथ साथ किस और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. ये है स्पोर्ट्स अगेन, एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इन इंडिया. मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ तो आप भी अपना पार्ट ज़रूर करें, मोदी जी को मैक्सिमम टैग करें. सो आते हैं हमारे टॉपिक पे, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पार्ट टू. जैसा हमने देखा कि पुरानी लास्ट वीडियो में मैंने शेप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था, तो आज का जो मेरा सजेशन ये है कि जो काउंटर मसल्स होते हैं किसी भी शेप को डेवलप करने के लिए, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करना होगा विथ प्रोग्रेसिव लोडिंग. अब जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अंदर एजुकेटेड स्कॉलर्स हैं उनको इस बारे में नॉलेज होगा कि कोई भी फ्रंटल पार्ट या फिर मिरर मसल पे काम करने के लिए आपको आपके जो अल्टीरियर मसल्स है, मतलब बिहाइंड द मिरर मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर आप ग्रेजुअली उसको प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो लेसन नंबर टू कि जो भी आपके काउंटर मसल्स है उनको आप प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन ज़रूर करें. अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करें. मिलते हैं अगले